इन घाव के चारों ओर जो नीले वर्ण के निशान का फैलाव है, ये सिद्ध करता है कि इन पर लगे निशान विषैले थे। जो भी जीव या असुर या रहा होगा वो विष से भरा हुआ है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो सैनिक के शव को लेकर आया है उसकी सूचना सत्य है। महाराज, उसने वहां से किसी स्त्री के स्वर में बहुत ही भयानक चीख सुनी थी और साथ ही उसने वहां से एक बहुत बड़े पंखों वाले किसी पक्षी को उड़ते हुए देखा था। मैंने कुछ और जानकारी भी प्राप्त की। क्या? कुछ नगरवासियों ने उस स्त्री रूपी असुरा के स्वर सुने। वो घोषणा कर रही थी कि वो अपने भाई बाका का प्रतिशोध लेकर रहेगी और उसके मार्ग में जो भी आता है वो उसके प्राण हर लेती है। इसका अर्थ है कि कृष्ण का छल है। सैनिक। जी महाराज। जाओ मेरे द्रुत गति रथ को सज्जित करो। आओ शिशुपाल, हमें उसे खोजना होगा। काना, तुम्हें कुछ स्मरण आ रहा है? वो असुर या दैत्य अतीत के किसी असुर से संबंधित हो और तुमने उसका उद्धार किया हो। ये असुर तो सत्य में ही बहुत शक्तिशाली है। हाँ दाऊ, और इससे लड़ते समय मुझे यह आभास हो रहा है जैसे मैं बकासुर से लड़ रहा था। परंतु काना, यदि तुमने उसका वध कर दिया तो वो पुनर्जीवित कैसे हो सकता है? दाऊ, कुछ भी हो सकता है। जब तक के जरासंध है कुछ भी हो सकता है।